उदयपुर हत्याकांड के बाद से पुलिस के साथ ही जांच एजेंसियां जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की कलाई खुलकर सामने आने लगी है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी गौस और रियाज के पाकिस्तान कनेक्शन के बाद से जांच में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। भीलवाड़ा पुलिस को पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम के मोबाइल से पाकिस्तानी सीरीज के कई नंबर मिले हैं। सभी नंबरों की जांच की जा रही है। बता दें कि अब्दुल सलाम को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उसे जेल भेज दिया गया। देखिए, दो दिन पहले रात्रि गश्त के दौरान जब पुलिस गश्त कर रही थी तो नाकाबंदी पॉइंट पे 5-7 लोग आ रहे थे। उसमें से एक आदमी को जब रोका गया तो उसने पुलिस से उस वक्त बहस शुरू कर दी। समझाने के बाद भी जब नहीं माना तो कानूनी प्रावधान के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। उसके पास जो मोबाइल मिला था उस मोबाइल को भी जब्त किया गया था और उसका विश्लेषण आगे किया जा रहा है। देखिए, जब उसके कॉन्टैक्ट का विश्लेषण किया गया तो कुछ ऐसे नंबर थे जो पाकिस्तान के कोड से सेव्ड थे, तो उसकी हायर एजेंसीज को जांच के लिए वो फोन भेजा गया। अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी पर उसके परिजनों ने विरोध जताया। अब्दुल की पत्नी शाहनाज बानो ने गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बताया, साथ ही पुलिस पर अब्दुल को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया है। 5 जुलाई को रात को मेरे शोहर बाहर बैठे थे, घर के बाहर बातें कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, तो कहते गए उनको बिठा के भतीजा उनसे बनने कर दी थी, उनको गाड़ी में डाला फिर वहाँ से लेकर चले गए। फिर मुझे नहीं पता, मैं बच्चों को चला रही थी तो मोहल्ले वाले से पता चला था, उनको लगा कि उनको लेके गए, तो फिर मेरा भतीजा भी गया और मोहल्ले वाले उनके दोस्त सब सुबह थाने पर गए, तो वहाँ पता चला कि उनको वहाँ लेकर नहीं आए, उनको कहीं और लेकर गए। वहाँ पर चला था मेरे भतीजे ने उनसे पूछा कि कहाँ लेके गए, फिर उनको तो उससे मार दी थी, उसका पता लेके उसको वहाँ से भगा दिया, उसको लाठी चाली थी। फिर पता चला कि वो कहीं दूसरी जगह लेके गए, और पिछली बार जैसे ही हुआ था जैसे वो चौथे कंसर किए तो उसकी वजह से वो लोगों की मदद करते हैं, आप उनसे करते हैं, उनको बहुत गुस्सा करते हैं कि वो लोगों की मदद क्यों करते हैं, हमारे खिलाफ़ क्यों बोलते हैं। तो पहले भी उनको ऐसे भी काफ़ी केस में उठाया हुआ है, झूठे केसों में अपनी बात भी उनको ऐसे ही किया, उनकी बच्ची को अभी जेल में है। रियाज के पाकिस्तान में ट्रेनिंग की खबरों के बाद से ही प्रदेश के साथ ही देश के एजेंसियां अब जांच में कोई कोताही नहीं बरत रही हैं, जिससे पाकिस्तान के एक एक नापाक इरादों की कलाई दिन ब दिन खुलती जा रही है।